लोग पहुंच गए हनोई और हनोई ने हमारा वेलकम किया इतनी तेज बारिश के साथ. ऑसम वेदर, ऑसम स्ट्रीट. हम रुके हैं ओल्ड क्वार्टर्स पे, जो कि माना जाता है जो कि है ही हैपनिंग स्ट्रीट ऑफ हनोई. और रात को यहाँ जितने भी कैफेज हैं उनमें म्यूजिक और बियर आप कहीं पे भी जाके पी सकते हैं. गाइज वेलकम टू देसी ट्रैवल कपल. और इस बार हम लोग हैं वियतनाम के अंदर और डे वन के अंदर हनोई हम लोग गए थे, बट इट वॉज डे जीरो एक्चुअली, उसमें बहुत कुछ नहीं है. सो हम लोग हनोई वापस आएंगे पूरा घूम के वियतनाम, उस पर हनोई आएगा. सो राइट नाउ हनोई के ओल्ड क्वार्टर से हम लोग जा रहे हैं हलोंग बे फॉर अ क्रूज. एंड फॉर क्रूज वी हैव टेकन दिस लिमोजिन ट्रांसपोर्ट. बहुत ही कूल बस होती है यहाँ पे. कॉस्टेड इज अबाउट $15 पर पर्सन. ये ओल्ड क्वार्टर हनोई से हलोंग बे हमें लेके जाएगी अबाउट 2 hours, एंड वहाँ से फिर हमारा क्रूज का शुरू होगा. सो वी बी शोइंग यू क्रूज. इनफैक्ट हम लोग फर्स्ट टाइम क्रूज जा रहे हैं, तो देखते हैं वी आर वेरी एक्साइटेड कैसा एक्सपीरियंस रहता है. तो हम लोग पहुंच गए हैं हालोंग बे. हालोंग बे में हमारा वन नाइट स्टे है एट लीथ थियर क्रूज में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्रूजेज है यहाँ पर. 5-star क्रूज है. किड्स आर वेरी मच एक्साइटेड. और यहाँ से हम क्रूज तक जाएंगे स्पीड बोट पे, जो कि हमारी स्पीड बोट आ गई और हमारा लगेज लोड हो रहा है उसमें राइट नाउ. जैसे कि आप लोग पहुँचते हो अपनी जो भी आपने ट्रांसपोर्ट किया होता है, इनकी पर्सनल बसेस भी चलती हैं और आप पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ तक आ सकते हो. और जब आते हो तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 hour, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होता है द मेन शिप में जो क्रूज है इनका. तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड. आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स सी टुगेदर. हम लोग पहुंच गए अपने वी थिएटर के क्रूज में और हमने लिया है कनेक्टिंग रूम, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं तो हमने ये रूम लिया है जिसमें एक है मास्टर बेडरूम, अटैच बालकनी. एंड गाइस बालकनी से जो व्यूज आ रहे हैं, आई मीन दे आर सिंपली अमेजिंग. वाओ, ये अभी इतना अच्छा लग रहा है. अभी आई थिंक 12 बज रहे हैं, तो सोचो ये रात को कितना अच्छा लगेगा. एंड दिस इज द बाथरूम दैट इज अटैच्ड विद दिस सुइट. सो वी हैव टेकन दिस कनेक्टिंग सुइट. दिस इज द रूम फॉर द किड्स, 2 single बेड्स, एंड इट हैज इट्स ओन वॉशरूम एंड अगेन अ बालकनी ओवर हियर. So guys, इतना amazing experience है. हम लोग हैं इस समय सन डेक पे क्रूज के जी, और शाम के 5 PM यहाँ पे एक सन डाउनर पार्टी होती है जहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स ऑर्डर कर लेते हो. ड्रिंक्स आर पेड. या ड्रिंक्स आर पेड बट स्नैक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. स्नैक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. सो गाइज बड़ा ही अमेजिंग मौसम है, बड़ा ही सुहाना नज़ारा है. सो जो भी क्रूज नहीं आए आई थिंक आना चाहिए. स्पेशली You should tell something about Halong Bay. कि क्यों फेमस है ये? Halong Bay इसलिए फेमस है क्योंकि 2017 में जब किंग कॉन्ग मूवी आई थी
और उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी, उसके बाद ये जगह बहुत फेमस हो गई थी और इसीलिए मतलब यहाँ पे एक्चुअली मोबाइल टावर्स भी नहीं है क्योंकि यूनेस्को ने इसको कंजर्व कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया. दिस इज वन ऑफ द सेवन नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड व्हाई सो? बिकॉज़ ऑफ दीस यूनिक माउंट. अगर आप ये माउंटेन्स की शेप्स देखेंगे सो पूरा हेलोंग बे इस तरह की शेप है एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आई मीन हम लोग यहाँ पे वन नाइट के लिए आए बट हमें आने के बाद लग रहा है कि दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा. Now we have been called for a cooking class. तो इधर एक activity ये भी होती है कि वो live cooking करते हैं और आप उनसे culinary skill सीख सकते हो. So come on. And now we stop on the halfway. Now we wrap right hand and left hand together. Right hand and left hand. And now keep rolling. Keep rolling like this. All right. So that is the form of spring roll. And after making here, now, because I put the soy sauce inside, that's why I can eat now. But if you don't put soy sauce inside, you have to dip, take in here and dip for eating. But I put it already, that's why now I can eat, fresh. It's mine, now it's your turn. Okay, everybody come and make. आई नो मैं बोलूंगी तो कुछ आप लोग यकीन भी कर लोगे और कुछ आप लोग यकीन नहीं भी कर. और जो आंखें देख रही हैं कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा. इट इज सो ब्रेथ टेकिंग एंड इट इज सो ब्यूटीफुल. सो गाइस जितना ये सुंदर दिन में लगता है उससे बहुत ज्यादा सुंदर ये शाम को लगता है. जस्ट लुक एट दिस. मज़ा आया और मैंने कुकिंग भी करी है. आई कुक्ड 3 स्प्रिंग रोल्स एंड पापा मम्मा एंड भाई लव देम. केचप है ये. क्या हो गया? किसको खाना है? हाँ दिस इज माय फ्रेंड. लुक एट देम, हर चीज खा रही है. अजीबा तुम भी. डू यू नो हु इज दिस? दिस इज माय फ्रेंड जूई. एवरी मामा कैमरा मैन फिल्म. डू यू नो हु इज दिस? दिस इज माय ग्रेट फ्रेंड जूई. और अभी जस्ट डिनर फिनिश किया है हमने और डिनर फिनिश करने के बाद 9 बजे के करीब बोला गया है कि स्क्विड फिशिंग होगी, विच इज अगेन अ हाईलाइट ऑफ दिस नाइट स्टे.
फैक्ट रात को भी अच्छा लग रहा है। और अब टाइम था हमार को थोड़ी सी स्क्विड के साथ फिशिंग करने का। हमें बोला कि वी कैन डू फिशिंग ओवर हियर, तो हम आए हैं यहाँ पे, फिश दिख रही है लेकिन अभी तक किसी के भी फिश हुक में कोई फिश आई नहीं है। बट इट्स अ फन एक्टिविटी विद चिल्ड्रन टू डू। माय फर्स्ट टाइम फिशिंग। All I know of you is all the sides of war. A film by Coppola, the helicopters roar. One day. So, अब हम जा रहे हैं लाइफस्टोन केव्स की तरफ। यहाँ पर दो केव्स हैं, मतलब दो टाइप की केव्स हैं, एक ब्राइट केव, एक डार्क केव। तो डार्क केव्स आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, जो कि अभी बंद कर रखी है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, इट इज़ वेरी डार्क। और लो टाइड की वजह से शायद हम लोग केव्स के अंदर नहीं जा पाएँ, लेकिन वी विल बी गोइंग अराउंड। तो मेरे पीछे आप देखो, ये है डार्क केव, जो कि डेंजर का साइन भी लगा हुआ है। एंड नाउ वी बी मूविंग अराउंड द लाइमस्टोन माउंटेन्स। तो गाइज अभी अभी हमने केव्स, अंडरग्राउंड केव्स के वहाँ पे हम देखे हैं। एंड गाइज दीज आर द आइलैंड्स जहाँ पे किंग कॉन्ग मूवी की शूटिंग हुई है। गाइज मेरे पीछे जो आप आइलैंड देख रहे हैं, दैट इज़ किंग कॉन्ग आइलैंड। दिस इज़ द सेम आइलैंड जहाँ पे जिसके ऊपर किंग कॉन्ग मूवी बनी थी। सो इट्स अ वेरी फेमस स्पॉट ओवर हेयर। एंड गाइज हमें नहीं पता था दैट हलोंग बे इज़ वन ऑफ द सेवेंथ नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ग्लैडली इस ट्रिप में हमने एक नेचुरल वंडर को कवर किया है। I don't know.